नमस्कार दोस्तों, किडनी की समस्या को मात देते हुए एक और पेशेंट अशफाक अहमद, जानेंगे उनसे क्या नाम है आपका। जी अशफाक अहमद। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर से? जी। अच्छा, जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी अशफाक? सर हमको जो है सब लोग, जिस टाइम मैं आया था उस टाइम हमको सब लोग उठा के लेके आए थे सर, इतना ज्यादा कि मैं अपने बेड से खुद से नहीं उतर पा रहा था। बेड से जो है सर, एक पैर अगर ये सुन्न हो जाता था तो जो है उसको उठा के रखना पड़ता था सर। वीकनेस इतना ज्यादा थी कि क्या बताएं, लैट्रिन पेशाब जो है खुद जो है नहीं चल के जा सकता था, भाई लोग उठा के लेके जाते थे सर। बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर, लेकिन आपकी दवा लेने के बाद हमको बहुत ज्यादा आराम मिला है सर, काफी हद तक। तो पहले तो मतलब चलने की स्थिति में भी नहीं थे, अब उठा के लेके जा रहे थे लोग। जी जी जी, इतनी भयंकर स्थिति थी उस। जी। और आप जो है आप प्रॉपर चल के भी आए सुल्तानपुर से यहाँ पर, आप ट्रैवल करके आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या बताया था, सुल्तानपुर में काफी इलाज कराया होगा आपने? जी, मैं लखनऊ में दिखाया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वहां पे दिखाया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन वो भी 40% चांस बताए थे, और बाकी वेंटिलेटर पे जाने के लिए बताए थे कि हो सकता है वेंटिलेटर पे चल जाओ उस इंजेक्शन के बाद जो है। और एक डॉक्टर हमको मेडविल के हैं जो है, बिहारी करके थे, वो बोले थे कि अब तुमको ताउम्र जो है हमेशा के लिए जो है व्हीलचेयर स्ट्रेचर लेना पड़ेगा, उसके अलावा तुम चल नहीं सकते अब, और ये जिंदगी भर ये दवा तुमको खानी पड़ेगी जब तक तुम जिंदा हो सर। उसके बाद तो हिम्मत टूट गई थी, लेकिन फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया में दिखाया सर, तो वहां पे दवा चलाने के करीब एक साल बाद तो वो लोग बोले कि इंजेक्शन लगवाओ। इंजेक्शन सर उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था तो नहीं लगवाए सर। उसके बाद आपका जब वीडियो देखे तो यहाँ पे आए, तो यहाँ से जब दवा लेके गए, एक महीने की दवा लेके गए थे सर, आप 3 महीने की रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन हम 1 महीने की दवा लेके गए, तो हमको 15 दिन में जो है काफी हद तक जो है रिलीफ मिला सर, अपने आप में महसूस हुआ कि एनर्जी हमको आ रही है। तो सर जिस तरह आप बताया थे उस तरह मैं फॉलो किया हर चीज, डाइट वगैरह, योगा वगैरह सब चीज फॉलो किया सर, और आज जो है मेरी स्थिति को और कुछ और है सर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अशफाक नजर आए हैं। प्रोटीन बताएं कितना जा रहा था पहले? प्रोटीन जा रहा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी इनको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन वॉश आउट हो रहा था जी, भयंकर स्थिति थी, चलने में असमर्थ थे, इतना ज्यादा प्रोटीन जा रहा था जी। पहले तो हमें जो है 500 मिलीग्राम तक प्रोटीन आ रहा था सर। दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ सर, 500 mg वाली रिपोर्ट दिखाओ सर। ये है रिपोर्ट जो है 500 mg, 500 मिलीग्राम करो। कहाँ से कराया आपने? ये सेवा पैथोलॉजी है हमारे यहाँ सुल्तानपुर, वहीं से कराया सर इसको, सेवा पैथोलॉजी। अब दूसरा दिखाओ एक, ये सर लेटेस्ट रिपोर्ट है 25/11/2020 की सर, नेगेटिव है। अब नेगेटिव आ गया है, +2 था इनका प्रोटीन जो वॉश आउट हो रहा था, अब ये नेगेटिव हो चुका है, +500 mg जा रहा था, +4 से भी ज्यादा जा रहा था, और अब जो ये निल हो चुका है, और जो है इनका बहुत अच्छा इनको रिजल्ट आया, चलने फिरने में भी असमर्थ थे उस समय। जी जी बिल्कुल। और बताइए ना कि स्ट्रेचर पे चलना पड़ेगा इनको, तो अब ये चल नहीं सकते, इनको तो बस सहारे के थ्रू ही चलना पड़ेगा, और अब ये खुद चल के आए हैं, इतनी एक्सट्रीम वीकनेस थी जब आए थे, चलने में असमर्थ थे। आप कल्पना कीजिए एक इंसान की इतनी कमजोरी आ जाए कि वो चल ही ना पाए। सर मैं उस टाइम जो जो बेड पे था, तो मैं आदमी जो चलता था उसको देख के रोता था मैं, कैसे वो आदमी चल ले रहा, हम नहीं चल पा रहे, कैसे बेड से उतर नहीं पा रहे हैं सर, इतना ज्यादा तकलीफ थी सर। सर उस सिचुएशन को आपको बता नहीं सकते हम सर, इतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा तकलीफ थी सर हमको, लेकिन आज की कंडीशन, आज मैं खुद से चल ले रहा हूँ, खुद से जो है कुछ भी कर ले रहा हूँ। अभी बहन की भी शादी करा जो है अपने जो है, लेकिन काफी हद तक एक बहन की शादी करा जो है, उसमें तो मैं बेड पे था, अस्पताल में भर्ती था, उसका कुछ नहीं, उसकी बहुत तकलीफ हुई हमको, लेकिन अभी एक बहन की शादी करा, खुद से चल के, खुद से जाके रिश्ता लिया, और जो रिश्ता पसंद किया और उसको उसकी मैरिज भी किया, अच्छे से हो गया सर, सब कुछ किया अपने उससे जो है सर, निकाह पढ़वा दिया उसका। जी जी जी, उसका निकाह हो गया सर, और यही खुशी है कि आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद काफी हद तक हमको रिलीफ मिला, और जो है जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं हम सर, कहीं भी आ जा रहे हैं और जहां मन कह रहा है वहीं चले जा रहे हैं। पहले ये चीज नहीं कर पा रहे थे सर, सोचते थे कहीं जाने के लिए जो है,
बाहर निकलने के लिए एक बेड से दूसरे बेड पे जाने के लिए जो है इन लोग का सहारा लेना पड़ता था कि अभी आएंगे तब फिर हम जाएंगे वहां से वहां। और कभी बाथरूम लग जाता था तो जाने के लिए उकर जाता था कि जो है ये लोग आएंगे तो फिर लेके जाएंगे। सर इतने ज्यादा दिक्कत थी सर, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा सर। सर यही लोग सहारा है सर, जो है भाई लोग बहुत हमारा साथ दिए जो है, और क्या बताएं सर। उस प्रकार की कल्पना करना कठिन है कि किस प्रकार एक इंसान को इतनी कमजोरी आ गई किडनी की बीमारी की वजह से, प्रोटीन इतना ज्यादा निकल रहा था कि चलने में असमर्थ हो गया। असमर्थ हो गए सर बिल्कुल। लेकिन अब जो है स्थिति में काफी परिवर्तन आया है जी, काफी। और साथ साथ जो है क्रिएटिनिन भी आपका नॉर्मल हुआ है, और ये आपका प्रोटीन भी आपका नॉर्मल हो गया है। जी 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 सर, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। अशफाक अहमद सुल्तानपुर यूपी से, लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाइए। दिखाइए एक रिपोर्ट आप पकड़ लीजिए, पहले वाली। ये पहले वाली रिपोर्ट है, 500 mg जा रहा था इसके अंदर इनका प्रोटीन, 500 mg, वीकनेस एक्सट्रीम थी, चलने में असमर्थ थे। और अभी आप देख सकते हैं इनका निल हो चुका है प्रोटीन लेवल, 500 mg से प्रोटीन इनका निल हो चुका है, जीरो हो गया प्रोटीन इनका, अब बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया गया है। जी हाँ, जड़ से उखाड़ दिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी को कर्म आयोजक ने, 500 mg से निल हो गया प्रोटीन। अशफाक अहमद जीता जाता सबूत है उसका कि किस प्रकार इस गंभीर बीमारी को अशफाक ने मार दी है जी, और किस प्रकार अब ये सारे अपने रोजमर्रा के जो काम है वो करने में समर्थ हुआ है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा हमारा साथ दिए हमारे घर वाले, हमारे गांव वाले सर, जहाँ पे सब लोग मिलकर साथ दिए जो है सर, ट्रीटमेंट अच्छे से कर लिए जो है आपका, काफी हद तक साथ दिए गांव वाले, नहीं तो हमारी वो स्थिति नहीं थी कि मैं जो है इलाज कर पाता सर, क्योंकि मेरे वालिद भी नहीं है जो है, और जो है काफी हद तक साथ दिए गांव वाले, घर वाले साथ दिए, गांव वाले साथ दिए सर काफी हद तक। तो बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आया है अशफाक को, रिजल्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंभीर बीमारी ना शरीर के साथ साथ परिवार को भी खत्म कर देती है, ऐसी बीमारी है। जी 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 बिल्कुल खत्म हो गए सर, हम लोग एकदम एकदम खत्म के बराबर थे सर, लेकिन गांव वाले हमारे साथ दिए तब इलाज कर पाए सर हम। चलिए बहुत अच्छा चेंज भी नजर आया है, और अनुशासन से नियम से इन्होंने पालन करा सब चीजों का, और आज जो है प्रोटीन को निल लेके आए हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से बीमारी को मात दे चुके हैं, पूर्ण रूप से बीमारी खत्म हो चुकी है इनकी। इतनी भयंकर स्थिति की चलने में असमर्थ हैं, आप कल्पना कीजिए अगर कोई इंसान इतना कमजोर हो जाए, उसका प्रोटीन शरीर में नहीं रुक रहा, वो चलने में भी असमर्थ हो जाए, 500 mg प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, वो निकल रहा था इनका। सर मैं उस टाइम जो है अगर एक रोटी का एक टुकड़ा तोड़ना चाहो तो अपने हाथ उंगली से नहीं तोड़ पाता था, हमको सब लोग खिलाते थे सर, ये लोग खिलाते थे, घर की अम्मी अम्मी बहन है सब लोग खिलाती थी सर जो उस टाइम जो है सर। कैसे क्या क्या बताए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, बहुत कुछ हुआ सर, इतना ज़्यादा मैं परेशान था सर, बहुत ज़्यादा मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा था कि मैं बच जाऊँगा सर, एक इंतज़ार सब लोग देख रहे थे कब कब क्या हो जाए, कब ऐलान हो जाए मस्जिद में, कब क्या हो जाए, सुबह का इंतजार कर रहे थे कब कल क्या हो जाए सब। अभी ये गांव वाले हमारे कहते हैं, अभी जब निकलते हैं हम टहलने के लिए निकलते हैं मोहल्ले में, तो वो लोग कहते हैं कि एक टाइम वो था, एक टाइम ये है, अभी एक टाइम था कि हम लोग इंतज़ार देखते थे कहीं सुबह ऐलान ना हो जाए, आज एक टाइम ये है कि जो है ये खुद चल के आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, नमाज भी हो सकते हैं मस्जिद में जाके, ऐलान तो छोड़ो बार नमाज भी पढ़ सकते हो मस्जिद में जी 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 जी, कुर्सी में बैठ के नमाज भी पढ़ ले रहे हैं और तिलावत भी कर रहे हैं कुरान शरीफ की, हर चीज कर रहे हैं सर, जो भी मर्जी मारा कर रहे हैं सर, अल्लाह का शुक्र है। आपका जो है दवा का जो है वो है कि आप अच्छे से अच्छी दवा दी हमको, उससे हमको फायदा मिला सर। ये है मुल्ला अशफाक अहमद, जिनको समस्या थी, गंभीर समस्या थी, और इनका प्रोटीन जा रहा था 500 mg की जी। थोड़ा इमोशनल हो रहे हो आप इस समय जी। जी सर अपना जो है बीता हुआ कल याद आ गया सर, इसलिए जो है और काफी हद तक जो है परेशान हुए थे और बहुत झेले हैं सर, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल।
काफी अच्छा रिजल्ट आया, 500 एमजी से नील हो गया आपका। जी 500 एमजी से नील हो गया सर, और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे नजर आए। जी जी बहुत चेंजेस भी बहुत अच्छा नजर आए हैं। जी जी और क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है, बाकी सारी चीजों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट इनको नजर आए हैं। और एक समय था कि चलने में समर्थ नहीं थे, रोटी का टुकड़ा तोड़ने में असमर्थ थे, और आज जो है सुल्तानपुर से यहां तक चलकर आए हैं। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से आए हैं। कर्मा आयुर्वेदा एक बार नहीं अनगिनत बार ये सिद्ध कर चुका है किडनी का इलाज जो है वो संभव है, किडनी का इलाज जो है वो हो सकता है, और एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों बार कर्मा आयुर्वेदा ने ये अनेकों प्रकार वीडियो और टेस्टिमोनियल्स के द्वारा सिद्ध किया है कि इलाज अगर किडनी का है तो कर्मा आयुर्वेदा में है। आपको आवश्यकता है नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करने की। अगर आप भी जूझ रहे हैं इस प्रकार की गंभीर समस्या से, किडनी की समस्या से, तो यदि अशफाक अहमद इस गंभीर समस्या से बाहर आ सकता है तो अन्य जो मरीज हैं वो भी बाहर आ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर अभी तो मैं किसी को भी देखता हूँ किडनी पेशेंट, तो उसको यही राय देता हूँ कि आप जाइए कर्मा आयुर्वेदा में। मैं इसको अपना पर्चे की फोटोकॉपी भी दे देता हूँ कि ये लेके जाइए, ये पता है, सर से आप मिलिए, आप ये मोबाइल नंबर है इस पे पहले संपर्क करिए और जो है बात करिए सर, आप ट्रीटमेंट कराइए, एलोपैथिक के पीछे मत भागिए। क्योंकि मैं 2-3 साल भागा हूँ, 2 साल के ऊपर हो गया सर, आपको 2 साल भागा हूँ, काफी एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो गया, पैसा भी एकदम खत्म हो गया, और जो है इस सिचुएशन पे आप ना आए, पहले आप वहाँ पे पहुँच जाए, जो है आप वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। जो है सबको यही बताता हूँ सर, इस मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए कर्मा आयुर्वेदा में और यहाँ से इलाज लीजिए, आपको जो है फायदा मिलेगा काफ़ी हद तक, मेरा ये दावा है सर। क्योंकि हम देखे हैं सर ट्रीटमेंट लेके एलोपैथिक दवा में, हमको कभी ट्रीटमेंट कभी फायदा नहीं मिला, लेकिन इस दवा को लेके हमको फायदा मिला सर काफी। ये संदेश देना चाहेंगे कि आप आए यहाँ पे इलाज करवाएं और जो है आपको शिफा मिलेगा। शिफा मिलेगा अगर इलाज सही जगह होगा। अगर 500 एमजी से जीरो आप सकता है इसका निला सकता है अशफाक का, तो बाकी का भी संभव है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जिंदगी भर स्टीरॉयड खिला देते हैं डॉक्टर्स, और जिंदगी भर स्टीरॉयड खिलाने के बाद 10 तरह की बीमारी और लेके आ जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी सर। स्टेरॉइड और स्टेरॉइड की बात की है तो एक बात और याद आ गई सर, मेरा 20 मिलीग्राम चलाए थे स्टेरॉइड, फिर उसके बाद सर 50 मिलीग्राम चला दिए थे सर, तो उस टाइम हमारी कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, चेहरा और एकदम मतलब ये आँखों की एकदम उकर गई थी, सूजन भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, और ये हाथ भी ऐसे हो गया था, ये हाथ ख़राब हो गया था पूरी तरह से जो है उसी टाइम जो है, और स्टेरॉइड चलाने की वजह से फिर डाउन किए वो जो है, तब जाके थोड़ा सही हुआ, फिर उसके बाद आपके यहाँ आया जो सर। स्टेरॉइड से कोई फायदा है ही नहीं है, नुकसान उससे बहुत ज्यादा है सर, हम ये चीज कहेंगे स्टेरॉइड से कोई फायदा नहीं है सर। बहुत अच्छा नजर आए हैं, स्टेरॉइड से कोई फायदा नहीं है, स्टेरॉइड से नुकसान है। जी बिल्कुल, अशफाक जी भी मानते हैं कि स्टीरॉयड, ये एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर है ना वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा मत लो, इससे जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान है, भविष्य में इसको इससे नुकसान है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक से आपको जो है फायदा मिलेगा, एलोपैथिक में फायदा नहीं मिलेगा, एलोपैथिक में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट नहीं है सर। ये चीज मैं खुद जो है ट्रीटमेंट करके देख लिया हूँ सर। तो यशफाक अहमद खुद ट्रीटमेंट करके देख चुके हैं एलोपैथी का भी और आयुर्वेद का भी और कर्मा आयुर्वेदा का भी। कर्मा आयुर्वेदा से 500 से नील आ गया, एलोपैथी ने स्टीरॉयड देके और 10 तरह की प्रॉब्लम्स जुड़ गई समस्या से, समस्या बड़ी हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ साथ वो बड़ा सिंड्रोम बन गया, गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। तो अगर इस प्रकार की किडनी की कोई भी बीमारी से जूझ रहा है आपके आसपास, तो जरूर संदेश दें कर्मा आयुर्वेदा जो है तरुण इंक्लेव प्रीतमपुरा स्थित है, और हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है, मिलते जुलते नामों से भी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है।